लेबो यहाँ पे देख सकते हैं गंगा स्नान हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे घर से जस्ट बगल में अपना मेन मार्केट पड़ता है दिनेशपुर, और जहाँ की यहाँ पे गंगा स्नान हर साल की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ आवाज बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन कोविड के चक्कर में इस साल मना कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खाली मैदान है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे दुकान लगा हुआ था, और आज वो दुकान कल हुए उनको उठाने के लिए बोल दिया और सब अपने अपने दुकान उठा के लेके चले गए, और दो चार लोग ही यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, और बाद बाकी सारे लोग यहाँ से चले गए दुकानदार जितने भी थे। बहुत सारा घाटा तो इस बार हो ही चुका है, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे मेन हमारा घाट ये है जो कि आप देख रहे हैं। ये हमारा मेन घाट है और ये मंदिर है जिसको हम बंगला में कामना सागर बोलते हैं, और देखते हैं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्या रौनक होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मास्क इस साल भी बहुत ही जरूरी है, और वैसे तो आप देख ही सकते हैं पानी भी बहुत ही साफ है शुद्ध है। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं उधर से क्या नजारा है, ठीक है? तो वीडियो के आखिर तक बने रहे और अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे पहले ही बहुत दूर दूर से लोग आया करता था, जैसा कई सारे ऐसा जगह है जहाँ से लोग आते हैं, जैसा उड़ीसा हो गया, उसके बाद कलकत्ता हो गया। और फ्रेंड जो दूर से लोग यहाँ आते थे, यहाँ पे टंकी पानी की सुविधा यानी कि पानी की व्यवस्था किया जाता था। और ये आप जो जगह यहाँ देख रहे हैं, इस जगह में भंडारा चलता था और एक साथ शायद हजार लोग यहाँ पे बैठ पाते थे, यहाँ से लेके वो आगे तक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक छोटा मोटा गोडाउन है, और छोटा मोटा गोडाउन में जैसा ये लकड़ी ढेरी यहाँ पे पहले से किया जाता है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ चूल्हा भी बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार लमसम एक हफ्ता भंडारा एकदम परमानेंट रेगुलर ही चलता था। लेकिन इस साल कोविड के चक्कर में कुछ हो नहीं पाया, डीएम साहब आए और वो अपने आदेश देके गए कि यहाँ पे कोई दुकान नहीं लगा सकता और बाहर से कोई लोग आ नहीं सकता। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी कुछ कुछ लोग होंगे
तो यहाँ पे भंडारा चल रहा है। चलो देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये जो कामना सागर है वहाँ की मंदिर है, जो जल से लमसम 4 फुट ऊपर है। और दिखाते हैं कि आगे की तरफ, लोगों की तादाद बहुत ही कम है। नहीं तो पिछला साल ऐसा होता था कि यहाँ पे आदमी इतने ज्यादा होते थे पब्लिक कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। और एक बार दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स। और यहाँ पे फल फ्रूट जो होते हैं लोग ये गंगा में दान करते हैं। और यहाँ पे भी लोग बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ उनको कैच करते हैं। तो फ्रेंड हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लोग यहीं पे ही होंगे। और हमारा एक यूट्यूबर भाई भी दिख गया जो वहाँ पे नहा रहे, गंगा स्नान कर रहे हैं, वो हमें मिल चुका है। कैसा दादा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे लोग मजे कर रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। अंदर कीचड़ नहीं है, फर्श कर दिया गया है। लेकिन हर साल यहाँ का पानी बहुत गंदा होता था लास्ट में नहाते नहाते। और एक बात ये बता दूं कि यहाँ पे जितना टाइम भी यहाँ पे लोग नहाते, ज्यादा नहा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कम से कम ना हो तो एक ट्रक इसमें बर्फ का सिल्ली डाल दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा टाइम तक नहा ना पाए और सबकी बारी एक एक बार आए। और अभी हम दिखाते हैं मंदिर की तरफ, जो कि वहाँ पे हम इसके थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर बाद ही हम उसको दिखाएंगे। इस साल कहीं सारे मतलब जो दुकानदार था उनको भी बहुत ही घाटा हुआ है। जो आप उधर झूला देख रहे हैं, झूला तो वो भी बंद पड़ा है कोविड के चक्कर में, डीएम साहब का आदेश है। वरना यहाँ पे इतने लोग होता कि हम जो हाथ में भी कैमरा पकड़ के वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये भी हमसे मतलब हो नहीं पाता क्योंकि धक्का मुक्की हमेशा लगता रहता है और बना रहता है धक्का धुक्की, इसीलिए हो नहीं पाता। तो मैंने एक बार तालाब के चारों तरफ तुम्हें हमने घुमा के दिखा दिया क्या नजारा है। तो फ्रेंड यहाँ पे चेंजिंग रूम जो कि एक साइड में है। तो ये हमने तालाब के चारों तरफ हमने घुमा दिया कैमरा। और यहाँ पे देखिए इन लोगों ने जितना पैसा खर्चा करके गाड़ी बुक किया और यहाँ पे मेला जैसा, वो आलू की पकौड़ी ये लोग की दुकान लगाते हैं। ये भाई भी वापिस जा रहा है, तो यहाँ पे वो गाड़ी लोड होके फिर वापिस जा रहा है यहाँ से। तो कितने लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा भलाई के लिए हो रहा हमारा। और एक बार हम उधर भी ले जाएंगे तुम्हें, जो कि आप करीब से देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी झूले वूले जो भी लगे थे कोविड के चक्कर में सब कुछ वापस कर दिया गया है। लेकिन लोगों को पहले पता नहीं था कि ये कोविड के चक्कर में मतलब ये बंद होगा या नहीं होगा करके, नहीं तो लोग इतना पैसा खर्चा करके यहाँ पे आते नहीं और अपना दुकान लगाते नहीं। चलो चलते हैं, उधर पुलिस वाला भी थोड़ा भगा रहा है लग रहा है थोड़ा सा, जो आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे लोग भाग रहे हैं तो हम चलते हैं और देखते हैं कि किस लिए लोग भाग रहे हैं, क्या हुआ, कोई लड़ाई हुई यहाँ तक होगा। और जैसे कि ये है तुम्हारा पीछे साइड, यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है और कौन कौन मेन है हमारा उनका भी यहाँ पे फोटो और डिटेल बाई नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर सब को डला हुआ है, देख सकते हैं। और मेले की स्थिति ये बना है, दो चार दुकानें यहाँ पे है और बाद बाकी कोविड के चक्कर में सबको जाना पड़ा यहाँ से।
वरना यहाँ पे कोई स्पेस खाली नहीं था और कोई जगह भी बाकी नहीं था। कल भी हमारे सामने 10-12 दुकान वैसे वैसे चला गया है और आज भी जा ही रहा है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, ले के चलते हैं आप लोगों को और एक बार दिखाते हैं। और यहाँ पे भी आप देखो दुकान, यहाँ से वापस जा रहा है बेचारा गरीब आदमी है और वो अपना दुकान यहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत इन्होंने शायद 500-700 की सेलिंग भी कर ली है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जो कि आना जाना लगातार बना हुआ है। आज आप जो खाली मैदान यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक पल के लिए भी खाली हो नहीं पाता था। और यहाँ पे जो भगवान का नाम लिया जाता है वो कम से कम 24 लिया जाता है। और आज यहाँ पे लोग बैठते थे, स्टेज बना करता था और यहाँ पे आज टुक टुक बाइक पार्किंग बना दिए यहाँ पे। और एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यह बाबा जी जिनके दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। लेकिन ये बात है कि वो आज हमारे यहाँ हमारे बीच है नहीं, कोई बात नहीं, अमर है। लोग इनके दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे श्रीमद विनोद गुसाई जी का यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज बनाया गया है, वहाँ पे इनके भी दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हुनर पुत्रो, अच्छा तो ये इनका पापा जी है जो कि ये भी अमर है। और यहाँ पे इन्होंने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेज बनाया और यहाँ पे उनका भी सम्मान किया। और लोग भी बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। দাদু এটা কয় বছর তো তোমরা বানাচ্ছ আর কয় বছর তো হচ্ছে এখানে? এই 45 বছর হচ্ছে আমরা এই মাদনি উৎসব করছি। আচ্ছা 45 বছর, আচ্ছা আচ্ছা। আমি এখানে আগে সচিবের পদে ছিলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা। সচিবের পদ থেকে তারপর অধ্যক্ষ ছিলাম, অধ্যক্ষের পদ থেকে 1901 থেকে আমরা আমি এখানে দুর্গতিতে আছি। আবার মহারাজ আমার গুরুদেব আমাকে দুর্গতি দিয়েছে। এখানে আমার জন্মদাতা পিতা যিনি গোসাই, বিনোদ গোসাই, তিনি এইখানে গদিতে ছিলেন। সেই গদি সেই গদিটা আমার পিতা আমাকে দিয়ে শিক্ষা গুরু যিনি গোপাল মহারাজ জি, আমার অশিত পিতা, আমার আশীর্বাদ। ঠিক ঠিক, ভগবান তোমার কামনা পুরো করে, ঠিক আছে। আজকে বাদ আমি দেখাতে আপকো ইয়া পে মন্দির হ্যাঁ, ইয়া পে ভি থোড়া সর ঝুকায়েঙ্গে যাহা পে दुर्गा माता जी का मूर्ति बना है। यहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है बहुत ही धूमधाम से। और यहाँ पे लिखा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि ठाकुर का जो हर सर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा स्नान मनाया जा रहा है, जिसे हम हरि का द्वार भी कह सकते हैं। और एक मंदिर यहाँ बगल में भी है जहाँ पे लोग जैसा देखो बहुत सारे चीज़ यहाँ दान भी कर रहे हैं, जैसे चावल आटा, आटा चावल हो गया, दाल हो गया, सरसों का तेल हो गया, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे लोग
दान दक्षिणा देते रहते हैं। और यहाँ पे हजारों के तादाद में भी लोग आए, लेकिन किसी का कभी भंडारा यहाँ ख़त्म नहीं होता है और आज तक हुआ नहीं, और भगवान करे कभी ना हो। और यहाँ पे प्रसाद वितरण चल रहा है, जो कि लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी चावल का कट्टा है, जिसकी जितना इच्छा, जिसका जितना मन करे वो उतना यहाँ पे पुण्य दान करते हैं। और अभी आप हम आपको लेके चलते हैं मेन गेट पे, जहाँ पे यहाँ का एंट्री होता है पूरा। ये भाई बैठा है, दादा कहाँ से है आप? खानपुर से। खानपुर नंबर? तो भैया भी खानपुर नंबर से एक से आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोविड के चक्कर में पहले भी मैंने बता दिया कि लोग आ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे बंगला में तो अंगूठी और बंगला में लिखा हुआ है, बहुत सारे किताब यहाँ पे बुक मिलते हैं। और इस माला की एक खासियत बता देता हूँ कि नारियल के छिलके से बनाया हुआ होता है, जो ऊपर का कवच होता है। मेन मार्केट रहा ये, और यहाँ का रहा ये एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री होता है और यहाँ से लोग प्रसाद वसाद लेके यहाँ से जाते भी है। क्या ले दादा? बढ़िया। और यहाँ पे जाम भी थोड़ा बहुत लग चुका है। खिलौने के दुकान, तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और यहाँ पे बाबा जी का यहाँ पे भी एक छोटा सा आसन बनाया गया है, और यहाँ पे भी राम ध्यान करते हैं। तो वहाँ पे भी बैठे हैं एक जने, देखता हूँ आगे से कौन है। बस एक यही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे जहाँ पे लोगों के कदम कदम से टकराता था, आज के डेट में यहाँ पे ये पार्किंग और खाली जगह दिख रहा है, और बाकी जो बचे जगह पे पार्किंग है। तो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं। कुछ दुकान यहाँ पे लगे हैं जो कि इस बार लग नहीं पाया, और हर वर्ष में जो दुकान जितने लगते हैं उससे बहुत ही ज्यादा कम है। और यहाँ पे एक ढोल की दुकान है, उसको हम डंका बोलते हैं बंगाली में। तो चलते हैं आगे की तरफ, लेके चलते हैं।